आज है हमारे पास Vivo Y100 5G स्मार्टफोन और आज मैं आपको ना इसके कैमरे के हिडन और स्पेशल फीचर्स बताने वाली हूँ। जैसे कि आप इसमें ना 4K तक के वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और आपको इस फोन में एक ऐसा फीचर्स मिल जाता है जैसे DSLR से फोटो निकलती है ना, वैसे ही फोटो आपकी इस मोबाइल में निकलने वाली है। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना। अब आप कैसे निकालेंगे मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। और अभी आप ये जो रिंग लाइट देख रहे हैं इसे मैंने कैसे अप्लाई किया है वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम भी जान लीजिए। तो मेरा नाम है रोशनी और आप सभी का टैग फॉर रोशनी में स्वागत। तो चलिए हम कैमरे के फीचर्स की बात कर रहे हैं तो इसके लिए ऑब्वियसली आपको कैमरे को ओपन करना ही पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट फीचर्स की। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाता है नाइट मोड। नाइट मोड तो होता है यार, बट काफी ज्यादा लोग इसे यूज नहीं करते हैं। बट मैं इनके फीचर्स बताऊंगी ना तो आप डेफिनेटली इसे यूज करने वाले हैं। तो आपको यहाँ नाइट मोड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप 10x तक जूम कर सकते हैं और आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपको बहुत सारी स्टाइल मिल जाती है, इफेक्ट वगैरह भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आप यहाँ से स्टाइल और इफेक्ट दोनों को यूज कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। और यहाँ पर क्लिक करके आप फिल्टर की कैपेसिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसे कि फिल्टर के जो कलर है ना आप उनको यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। और आप यहाँ पर क्लिक करके फोटो के साइज को सेट कर सकते हैं कि आपको कितने साइज में फोटो चाहिए। और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप टाइमिंग भी लगा सकते हैं, 3 सेकंड की, 10 सेकंड की, आपकी मर्जी, आपको जितना भी टाइम लगाना है। और यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर फ्लेमिंग लाइन देखने के लिए मिल जाती है। आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे ना तो आपकी कैमरे में ये हैशटैग जैसी लाइनें देखने के लिए मिलेंगी। आप इससे पता कर सकते हैं कि आपने फोन को कितना सीधा पकड़ा है। अब अगला फीचर्स आपको यहीं पर स्टेबलाइजेशन मिल जाता है, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। आप फोटो निकालते हैं ना तो इसे ऑन कर ही रखना है। इससे क्या होगा कि जैसे आप रनिंग में कोई भी फोटो वगैरह ले रहे हैं तो इससे ना फोटो हिल जाती है। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो आपकी फोटो में शेक वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगा। और यहीं पर आपको वाटर मार्क मिल जाता है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके मॉडल के नेम को सेट कर सकते हैं अपनी फोटो में, मतलब कि आपकी फोटो में मॉडल नेम आना चाहिए, डेट एंड टाइम आना चाहिए। और यहाँ पर आप करंट लोकेशन भी दे सकते हैं कि आपने फोटो कहाँ पर निकाली थी। और कस्टमाइज के ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपना नाम कस्टमाइज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फीचर्स, यहाँ पर आपको मोशन ऑटो फोकस मिल जाता है, तो इसे भी ऑन कर लेना है। फिर आप फोटो निकालते समय ऐसा हिलते हैं ना तो आपकी आईज में ही फोकस रखता है। चलिए अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो ये मिल जाता है हमें यहीं पर पोर्ट्रेट मोड, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। टैप कर ऊपर की साइड करेंगे तो लाइटिंग ऑटोमेटिक ही तेज हो जाती है और टैप कर नीचे करेंगे तो लाइटिंग ऑटोमेटिक ही कम हो जाती है। तो लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से आप लाइटिंग को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर क्लिक करके आपको बहुत सारी स्टाइल मिल जाती है, तो आपको जो भी पसंद हो आप उस स्टाइल में फोटो निकाल सकते हैं। और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप स्टाइल की जो कैपेसिटी है ना कलर के उनको कम ज्यादा कर सकते हैं। और आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे फिल्टर मिल जाते हैं, तो जो भी फिल्टर आपको पसंद हो आप यहाँ से उन फिल्टर को यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको यहाँ पर लाइट इफेक्ट मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करके लाइट इफेक्ट को भी यूज कर सकते हैं। इसमें ये खास बात है कि यहाँ पर आपको लाइट इफेक्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको फेस ब्यूटी से रिगार्डिंग बहुत सारे टूल्स और फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं, तो आपको जो भी पसंद हो आप यहाँ से फेस को ब्यूटी भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर ऐप ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड का ब्लर हो रहा है ना उसके स्टाइल को भी आप चेंज कर सकते हैं, मतलब जो पीछे ब्लर होगा ना उसके स्टाइल को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर क्लिक करके आपको HDR को हमेशा ऑन कर ही रखना है, इससे आपकी फोटो की क्वालिटी कुछ एनहेंस हो जाती है। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं कैमरे की। तो आपको यहाँ फोटो मोड मिल जाता है, यहाँ पर क्लिक कर देना है, ये नॉर्मल मोड होता है। यहाँ पर आप 10x तक जूम कर सकते हैं और आप फिल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर मिल जाते हैं। वीवो की तो ये एक खास बात होती है यार कि यहाँ पर आपको ना फोटो में फिल्टर बहुत ही ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, तो आप यहाँ से जो भी फिल्टर आपको पसंद हो आप यहाँ से उन्हें यूज कर सकते हैं। और लाइट इफेक्ट के ऑप्शन फोटो निकालते समय ये आप AI के ऑप्शन को ऑन कर लेंगे ना तो आपके पिक्चर के जो कलर रहते हैं वो और ज्यादा इनहेंस हो जाते हैं, मतलब नॉर्मली में और AI में आप करके देखना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी कि आपको यहाँ पर इफेक्ट मास्टर मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो भी पसंद हो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। और आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये होता है सुपर माइक्रो, मतलब आप किसी भी चीज को बहुत ज्यादा डिटेलिंग से देखना चाहते हैं ना तो यहाँ पर क्लिक
क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको HDR को तो हमेशा ऑन कर ही रखना है। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। इस फोन में अगर आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा वीडियो मोड में। यहाँ पर भी आप 10x तक जूम कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके ना आप 4K तक की वीडियो इस फोन में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप यहाँ 1080p 720 जो भी आपकी मर्जी हो आप यहाँ से उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। और आप यहाँ पर कैमरे के आइकन पर क्लिक कर देते हैं तो ये होता है अल्ट्रा स्टैंडर्ड। तो आपको यहाँ पर हमेशा ना अल्ट्रा स्टैंडर्ड पे ही करके रखना है। इससे आप फोन को हिलाते हैं ना वीडियो बनाते समय तो आपको वो शेकनेस नजर नहीं आएगी। और यहाँ पर आपको मैं बार बार बोलते जा रही हूँ, आपको आप वीडियो बना रहे हैं या फिर फोटो बना रहे हैं HDR को ऑन तो करके रखना ही है। इससे आपकी पिक्चर क्वालिटी ना और ज्यादा इनहेंस हो जाती है। और आप यहाँ पर क्लिक करके बहुत सारे फिल्टर मिल जाते हैं आपको वीडियो बनाते समय भी, तो जो भी आपको पसंद हो आप यहाँ से उन्हें चूज करके अप्लाई कर सकते हैं। और टैप कर ऊपर की साइड ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक लाइटिंग ज्यादा हो जाती है, नीचे के साइड लाएंगे तो लाइटिंग कम हो जाती है। और यहाँ पर क्लिक करके आपको फेस ब्यूटी की रिकॉर्डिंग बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से उन्हें एक एक करके यूज कर सकते हैं। और आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपको स्टेबिलाईजेशन को ऑन कर लेना है, आपका वीडियो एकदम स्टेबली तरीके से बनेगा। यहीं पर आपको मूवी फ्रेम मिल जाता है तो आप मूवी फ्रेम में भी वीडियो को बना सकते हैं। चलिए अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ मोर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको 64mm का लेंस मिल जाता है, मतलब आपके फोन में 64mm का जो लेंस है ना आप यहाँ पर क्लिक करके उससे फोटो भी ले सकते हैं। और यहाँ भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं तो आप यहाँ से उन्हें यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। आपको मोर पर क्लिक कर देना है। यहीं पर आपको पैनो मिल जाता है। पैनो का मतलब होता है पनोरामा, मतलब कि आप किसी भी बड़े से प्लेस की फोटो लेना चाहते हैं ना, मान लीजिए आप कहीं घूमने गए हैं और वहाँ पर बहुत बड़े प्लेस की आपको फोटो लेना है तो आपको इस पैनो के ऑप्शन को ऑन कर लेना है। फिर आफ्टर बटन पर करके धीरे धीरे वो सारे प्लेस को बता देंगे ना तो आपकी एक ही फोटो में बहुत बड़ा प्लेस आ जाता है। और यहीं पर आपको लाइव फोटो मिल जाती है और आप यहीं से स्लो मोशन की वीडियो भी बना सकते हैं। एक्स्ट्रा ऐप वगैरह लेने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। और आप यहाँ पर प्रो पर क्लिक कर देते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताई थी कि आप DSLR जैसे यहाँ पर फोटो निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर कैमरे की कुछ सेटिंग वगैरह कर लेना है, जैसे कि iOS हो गया, शटर स्पीड हो गई, EV हो गया, आप इनको सेट करके DSLR जैसी फोटो यहाँ से ले सकते हैं। और यहीं पर आपको ब्लॉग मूवी का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर क्लिक करके अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं ना तो यहाँ से उस वीडियो को शूट कर सकते हैं ब्लॉगिंग के। आपको इसमें भी बहुत सारे फिल्टर मिल जाते हैं तो आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स की बात करते हैं। जो नेक्स्ट फीचर्स है ना गाइस, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे इस फोन में। तो आपको यहाँ पर मोर पर आना है। यहाँ पर आपको डबल एक्सपोज के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कि आपको यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, मतलब बैकग्राउंड देखने के लिए मिल जाते हैं, तो आप इस पर फोटो निकालेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप वहीं जाकर फोटो निकाल रहे हैं। जैसे कि ये पहाड़ की, बादल वगैरह की जो आपको यहाँ पर बैकग्राउंड मिल रहे हैं ना, आप यहाँ पर फोटो निकालेंगे तो ऐसा ही लगेगा कि आप वहाँ बादल में जाकर खड़े हैं या फिर इन स्टार वगैरह के बीच में खड़े हैं। अब तो ये फीचर्स मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, तो आप इसे यूज तो करिएगा ही। और यहीं पर आपको डबल व्यू मिल जाता है, मतलब कि आप अपने बैक कैमरे और फ्रंट कैमरे से एक साथ फोटो निकाल सकते हैं। तो चलिए अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको फोटो मोड में आना है। ऊपर आपको 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको शटर साउंड मिल जाता है, जैसे कि आप फोटो निकालते हैं ना और चिक चिक करके आवाज आती है, अगर आप उसे ऑफ करना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ से इसे बंद कर देना है। और यहीं पर आपको मिरर सेल्फी मिल जाती है, तो ये पहले से ऑन रहती है तो आपको इसे ऑफ कर देना है। अब जैसे क्या होता है ना कि आपने कोई भी सेल्फी वगैरह इस टाइप से निकाली है तो वो ऐसी हो जाती है, मतलब मिरर हो जाती है, इसलिए मैं तो ये फीचर्स को हमेशा ऑफ कर ही रख। तो गाइस ये रहे वीवो Y100 के कैमरे के फीचर्स। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट पर जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो बेल नोटिफिकेशन है उसे ऑल पर सिलेक्ट कर देना,